गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे इज द सेकंड क्लास ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ योर पार्टनरशिप ऑन गुडविल। सो आज हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने गुडविल को वैल्यू के लिए कोच हमने तो गुडविल विषय में देखले गुडविल माने कौन देखले गुडविल ऑफ फीचर्स देखले हम केतल गुडविल वैल्यूएशन करबा देखले टाइप्स ऑफ गुडविल देखले ए सब देखि सालले एबे हम देखिए गुडविल वैल्यू की करिया हमर केते टंगार गुडविल अछि जानिबा किमिति केतरार गुडविल छ हमें जानि पकि गुडविल को मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो मेनली हमें कोन होचे गुडविल वैल्यूएशन करया तो फास्ट हमें कोचे कोन ना एवरेज मेथड एवरेज मेथड जुडा के सिंपल एवरेज मेथड होली कोचे आउट ऑफ से वेटेड एवरेज मेथड वेटेड एवरेज मेथड तापर मिलेगा में सुपर प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। सो मेनली देयर आर आउट ऑफ द एन्युटी मेथड ऑफ जो कि तुमको दरकार नहीं एन्युटी टेबल देखिए बोलो छाड़ा नॉर्मली हमें चार प्रकार के जो एवरेज कैपिटल मेथड वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड जल्दी भी हमें पांच और हेडिंग लिख दो तो लिख दियो एन्युटी एन्युटी मेथड क्लियर। दैट मींस कि लारे मुझे तो हमको फीचर्स ऑफ गुडविल बा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल पढ़े के छतो हम कौन कहतली कि द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट द ऑब्जेक्टिव बट इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। ऑब्जेक्टिव मींस देयर इज नो क्लियर कट आंसर दैट गुडविल विल बी ओनली वन लाइन गुडविल मे बी चेंज एंड द मेथड अप्लाइड इज चेंज सेइति पे हमरो पहुंचे गोटे आंसर नै भेले गुडविल में डिफरेंट डिफरेंट आंसर हमर के अलग अलग फार्मूला पकेबा अलग अलग मेथड यूज करिया पे सब पे ताले हमर आंसर भी अलग अलग आ जइबो क्लियर। तो सेइति पे हमें कोचे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव मैटर इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर इट इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव मैटर इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर क्लियर। सो हमें कोचे ना हमें भी ए फार्मूला सब अप्लाई करे गुडविल वैल्यूएशन करबा देखबा आज हमें आजिरो क्लास रे हमें एवरेज मेथड करबा बाकी सब देखो नेक्स्ट क्लास रे करबा क्लियर एवरेज मेथड होला। आज हम देखलम एवरेज मेथड बा हमें देखो हम जे एवरेज प्रॉफिट मेथड बोली को छे एवरेज प्रॉफिट मेथड बोली को छे एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के मिनी करो छे ना एवरेज मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेशन कैलकुलेशन प्रोसीजर किमिनी कैलकुलेट करिबा ना स्टेप 1 स्टेप 1 स्टेप 1 में कौन करिबी ना स्टेप 1 में हम कौन करिबी ना एडजस्टेड प्रॉफिट स्टेप 1 में कौन करिबी एडजस्टेड प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट स्टेप 1 में कौन करिबी कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट कौन आसीबो एडजस्टेड प्रॉफिट बाहर कर दियोथिले जति किछि एडा जदि बोलो छै हम कौन करिबी इफ एनी एबनॉर्मल लॉस अछि ताहले पुस्तक को ऐड करिबी जदि इफ एनी एबनॉर्मल गेन अछि ताहले मुसे कौन करिबी लेस करिबी। देखो पिला ने मोर ए वर्ष लखेटा प्रॉफिट हला काई ने बेटा प्रॉफिट हला काई ना 30000 लॉटरी मिलि गला तो सब वर्ष के 30000 लॉटरी मिलि होगी सेइ पे मोर 30000 का एबनॉर्मल गेन ना सेडे को माइनस कर देबी ता माने मोर एडजस्टेड प्रॉफिट हो केते 70000 ता माने मोर एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करे पे कौन करबी जदि किछ एबनॉर्मल लॉस होछि ऐड करबी एबनॉर्मल गेन मोर लखेटा प्रॉफिट हला काई ने बेटा प्रॉफिट हला काई ना मोर 20000 ना निया लागि सब वर्ष कौन जानो कि जदि न रखंदा मोर लखे 20 प्रॉफिट हेथंदा तो जदि किछ एबनॉर्मल लॉस होछि ता ऐड कर दियो जदि एबनॉर्मल गेन होछि ताले लेस कर दियो काई ना हम नॉर्मल प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट हम छै हमर जदि कोनोसी निया लागि जळि कोनि चोरी होपनि लॉटरी लागि ताले नॉर्मली हम केते प्रॉफिट पाइया सिडा उ जदि एडजस्टेड प्रॉफिट क्लियर कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट हला स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट किमि करबा इफ एनी एबनॉर्मल लॉस ऐड कर इफ एनी एबनॉर्मल गेन लेस कर
প্রবলেম হওয়ার জন্য আপনাদের সাথে বুঝিয়ে দিই। তারপরে স্টেপ 2 ক্যালকুলেশন অফ এভারেজ প্রফিট, ক্যালকুলেশন অফ এভারেজ প্রফিট। স্টেপ 2 এ কি করিবা? এভারেজ প্রফিট, এভারেজ প্রফিট কি মিন করিবা না? এড অল দা প্রফিট বাই নাম্বার অফ ইয়ার, এডিশন অফ অল ইয়ার্স প্রফিট বাই নাম্বার অফ ইয়ার্স। যদি আমরা 4 বছর প্রফিট দেখিবা আমি, তাহলে এভারেজ প্রফিট কি মিন কি আসবো না? 4 বছর যাকর প্রফিট মিশে দেবা ডিভাইড বাই 4 করিবা, যেটা কি আমি কইছি এভারেজ প্রফিট। স্টেপ 1 আমি বাহির করে অ্যাডজাস্টেড প্রফিট, অ্যাডজাস্টেড প্রফিট করে আমি কম বলে যদি কিছু অ্যাবনরমাল গেইন আছে তাহলে লেস করে দেবা, যদি অ্যাবনরমাল লস আছে এড করে দেবা, তাকে আমরা নরমাল প্রফিট বাহিরিব। অ্যাবনরমাল আইটেম সেটির কিছু নথি কইবা, সবু যে নরমাল প্রফিট বা অ্যাডজাস্টেড প্রফিট কালে সে সবু অ্যাডজাস্টেড প্রফিট যে করে এড করে দেবা। এডিশন অফ অল ইয়ার্স অ্যাডজাস্টেড প্রফিট করে বলবো অল ইয়ার্স অ্যাডজাস্টেড প্রফিট ডিভাইড বাই নাম্বার অফ ইয়ার্স। হলো স্টেপ 3। স্টেপ 3 কোন আছিলা না? ফারস্টে অ্যাডজাস্টেড প্রফিট আছিলা, তাহলে সব তারপর সব জায়গায় অ্যাডজাস্টেড প্রফিট তো আমি কম বললে না, এভারেজ প্রফিট বলা বলে। স্টেপ 3 এভারেজ, স্টেপ 3 আমি গুডউইল ক্যালকুলেট করিবা। গুডউইল ইজ ইকুয়াল টু এভারেজ প্রফিট ইনটু নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেজ ইনটু নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেজ। হ্যালো, তা মানে কোন হলো না? গুডউইল ইকুয়াল টু এভারেজ প্রফিট ইনটু নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেজ। নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেজ মানে কোন কোশ্চেনে কইতিব গুডউইল ইজ ভ্যালুড এট 4 ইয়ার 3 ইয়ার্স পারচেজ অফ 4 ইয়ার্স এভারেজ প্রফিট, মানে যেতে ইয়ার পারচেজ করিব সেতে মাল্টিপ্লাই করিব। মনে করে কইলা গুডউইল ইজ ইকুয়াল টু 2 ইয়ার্স পারচেজ এট 2 ইয়ার্স পারচেজ অফ 4 ইয়ার্স এভারেজ প্রফিট, মানে 4 বছর এভারেজ প্রফিট কাটিবা, 4 বছর এভারেজ প্রফিট কাটিবা ইনটু 2 করিবা। মনে করে গুডউইল ইজ ইকুয়াল টু কইলা 3 ইয়ার্স পারচেজ অফ 2 ইয়ার্স এভারেজ প্রফিট, মানে 3 বছর এভারেজ প্রফিট কাটিয়া ইনটু 3 করিবা। প্রবলেম করে তো কনসেপ্ট বুঝা পড়িব, সেখানে গুডউইল ইকুয়াল টু কি ক্যালকুলেট করে এভারেজ প্রফিট ইনটু নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেজ ইনটু নাম্বার অফ ইয়ার্স পারচেজ। ক্লিয়ার? এটি কি হচ্ছে আমাদের টেক গুলা কোন এভারেজ প্রফিট মেথড রো বা সিম্পল এভারেজ প্রফিট মেথড রো এটি কি সব লিখে দিও, এটা হচ্ছে ফর্মুলা বা তিনটা স্টেপে আমরা আনসার করিবা, তারপরে প্রবলেম হয়ে গেল। লেখি সব পেলে মানে তারপরে আমি প্রবলেম নম্বর ইলাস্ট্রেশন 1 করিবা। লাস্ট ক্লাস কেবল থিওরি করছিলে, আজ তো আমরা এভারেজ প্রফিট মেথড ক্যালকুলেশন চেষ্টা করি। তিনটা স্টেপ প্রবলেম আমরা, ফার্স্ট স্টেপে অ্যাডজাস্টেড প্রফিট, যদি তোমরা অ্যাডজাস্টেড প্রফিট করে কিছু দরকার নাই, যদি কোশ্চেন দেখেছি অ্যাবনরমাল গেইন লস কথা নেই তাহলে স্টেপ 1 করিও দরকার নেই, স্টেপ 2 স্টেপ 3 সবরে দরকার পড়িব। হ্যালো, এটা দেখে পেলে মানে ইলাস্ট্রেশন বা এক্সাম্পল 1, এক্সাম্পল 1 এ কোন কইলা এভারেজ প্রফিট মেথড, ক্যালকুলেট গুডউইল অফ এ রেডিমেড গার্মেন্ট বিজনেস ফ্রম দা ফলোইং ডিটেইলস। সে কোন কইলা ইয়ার প্রফিট, ইয়ার দেলা 2005 2006 2007 2008 2005 2015 2016 2017 2018 2019 র প্রফিট দেলা। 2015 में प्रॉफिट कितने कितने 80,000, 2016 में 90,000, 2017 में 60,000, 2018 में 100,000, 2019 में 80,000 टका। क्लियर? हेलो, एति देखे प्रॉफिट से अगला गुडविल इज 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज 3 ईयर परचेज ऑफ এভারেজ প্রফিট। যে কম বলে না গুডউইল আমি ক্যালকুলেট করিবা কি গুডউইল ইজ ইকুয়াল টু
3 years purchase of average profit तो step 1 रे बिना में कौन करेंगे ना तो adjusted profit किसी एक बार पास में किसी को हमने दे नहीं तो हमारा step 1 हम करेंगे average profit किन किसी को हमने सोचा किसी दियो 80,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस लक्ष्य प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय कितने वर्ष 1 2 3 4 5 बाय 5 प्रथम वर्ष 80,000 तापर वर्ष 90,000 तापर वर्ष 60,000 तापर वर्ष लक्ष्य तापर वर्ष 80,000 तो 5 वर्ष प्रॉफिट में से कि बाय 5 कलर पर एवरेज क्लास को इज इक्वल टू सब में से कितना हो जी ना 8 ये 80,000 ये लक्ष्य 80 लक्ष्य 80 ले 60 में से 2 लक्ष्य 40 2 लक्ष्य 40 से 90 में से 2 लक्ष्य 30 3 लक्ष्य 30 से 2 से 4 लक्ष्य कितने हो जी 4 लक्ष्य 10 तो आसला तुम्हारा 4 लक्ष्य 10,000 बाई पांच हो चार लोगे 10,000 बाई पांच हो चार लोगे 10,000 बाई पांच हो बोले कितने अच्छे ना 82,000 कहीं ना पांच वर्ष ना 40 पांच लोगे 10,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना 82,000 क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट के बोले पांच वर्ष का प्रॉफिट में से ली बाई पांच 80,000 90,000 60,000 लक्ष्य 80,000 सब जगह में से ली बाई पांच चार लोगे 10,000 बाई पांच 82 ऐसे हम स्टेप टू रे गुडविल कंप्लीट करेंगे स्टेप टू स्टेप टू रे कौन कम कर भी गुड विल कहीं ना स्टेप वन का दरकार पड़ा नहीं एवरेज प्रॉफिट का मु डायरेक्ट स्टेप वन का कर एवरेज प्रॉफिट का भी स्टेप टू रे डायरेक्ट कौन कर दे भी गुड विल कर दे गुड विल का फार्मूला कौन कोई थी गुड विल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कहते कह गया फार्मूला लिख दो जी नंबर ऑफ इयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इयर परचेज 3 ये देखि क्वेश्चन 3 इयर परचेज होय छे 3 इयर परचेज माने 3 ने पड़िबो 2 इयर परचेज माने 2 रे 10 इयर परचेज माने 10 रे जत्ते वर्ष परचेज इनटू वर्ष करे पड़िबो इनटू एवरेज प्रॉफिट आस ना 82,000 इज इक्वल टू केते आसे पिला ने इज इक्वल टू 3टा 0 3 गुने 6 3 8 24 2,46,000 देयरफॉर गुडविल आमे केते आसिला गुडविल इक्वल टू 2,46,000 बुझिला हेलो ब्रदर लिखो छु नेक्स्ट क्वेश्चन करे तो तापर देखिए पहला है इंस्ट्रक्शन 2 तापर देखिए इंस्ट्रक्शन 2 इंस्ट्रक्शन 2 में कहां से देखिएगा इलस्ट्रेशन को लेकर कौन सा लास्ट ये कोई लास्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली द एक्टिव टू आर्टिकल डी फॉर इक्वल सेल्स गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फॉर ईयर से कौन कर रहा ना गुडविल वैल्यू करो गुडविल इज इक्वल कौन बोला गुडविल इज इक्वल टू 3 ईयर परचेस 3 ईयर परचेस ऑफ 4 years average profit ता माने कौन करेगा लाख 4 वर्ष का एवरेज प्रॉफिट बाहर लेबो सेते 3 मल्टीप्लाई करबो लाख 4 वर्ष का एवरेज प्रॉफिट बाहर 3 मल्टीप्लाई करले तुम्हारा गुडविल पर आसो से कौन बोला प्रॉफिट है ईयर प्रॉफिट ईयर प्रॉफिट ईयर कितने देला 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रॉफिट का 30,000 50,000 80,000 30,000 प्रॉफिट 50,000 प्रॉफिट
80,000 प्रॉफिट तापर केते ला ना 60,000 लॉस 60,000 मा हे गेला ने लॉस ए 3000 प्रॉफिट 60,000 टा आसला लॉस कॅल्क्युलेटर वैल्यू बुडुल कॅल्क्युलेटर वैल्यू बुडुल सा माने की आपण आपण जो कोणोशी ऍडजस्टमेंट करे होते की ऍडजस्टमेंट प्रॉफिट करे होते की ऍड एस वाला लॉस काय एफ नंबर लॉस एफ नंबर गेन चेक पण जे 4 वर्ष वर प्रॉफिट लॉस देला आपण बुडुल करे ओके तो स्टेप 1 स्टेप 1 स्टेप 1 में कौन सा करले ना कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट की भी करी बात 4 वर्ष प्रॉफिट में से देवा 30,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्ले मतलब लॉस ना है प्रॉफिट ने लॉस ना इसे भी माइनस कर दो माइनस 60,000 बुझा बोला प्रॉफिट के लिए एक होता है लॉस के लिए कौन सी चीज बनेगी प्रॉफिट के लिए एक लॉस के लिए लॉस के लिए कैसे की बन बाय चार्ज इज इक्वल टू कितना 30 50 80,000 80,000 लाखे 60,000 तो 60,000 में 1 लाख है 1 लाख बाय 4 इज इक्वल टू 25,000 ता माने एवरेज प्रॉफिट मार कितना हुआ असला 25,000 एवरेज स्टेप टू गुडविल इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इयर्स परचेज नंबर ऑफ इयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट केते वर्ष इयर परचेज कला 3 वर्ष इज इक्वल टू 3 एवरेज प्रॉफिट असला 25,000 इज इक्वल टू 75,000 75,000 क्लियर लेखो हेलो मिलाने आउट एक प्रॉब्लम करेगा इलस्ट्रेशन फ्री करेगा इलस्ट्रेशन फ्री करेगा इलस्ट्रेशन फ्री कौन करेगा देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन 5:3 रेशियो जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 से गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 40% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर ता माने से गुडविल इक्वल टू कौन करेगा गुडविल इज इक्वल टू 40% ऑफ एवरेज प्रॉफिट last 4 years, 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 last 4 years,
কেমিন দেনা না ফার্স্ট ইয়ার প্রফিট কত ফার্স্ট ইয়ার প্রফিট নেলা 60000 ফার্স্ট ইয়ার প্রফিট কত নেলা ফার্স্ট ইয়ার প্রফিট 60000 সেকেন্ড ইয়ার প্রফিট হচ্ছে 2 সেকেন্ড ইয়ার প্রফিট থার্ড ইয়ার প্রফিট फोर्थ ईयर प्रॉफिट सारी वर्षों प्रॉफिट मिसेगा मिसे की अगले प्रॉफिट बात करेगा तो मैं भी कौन करेगा फर्स्ट थर्ड ईयर प्रॉफिट करेगा थर्ड ईयर प्रॉफिट करेगा थर्ड ईयर प्रॉफिट की बात करेगा ना थर्ड ईयर प्रॉफिट की बात करेगा सिंपल देखो सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज टू हाफ टाइम्स ऑफ द थर्ड ईयर प्रॉफिट तो थर्ड ईयर का बोले सेकेंड ईयर का बोले फर्स्ट थर्ड बोल दो थर्ड ईयर प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ इज 20% ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रॉफिट सा माने थर्ड ईयर ना फर्स्ट 6 मंथ रे कहते हैं ना इज इक्वल टू ना फर्स्ट ईयर 60% 60000 का 20% फर्स्ट ईयर का 20%
इज इक्वल टू 12000 ला से कोइ दे देखो केना हम बोलछि थर्ड ईयर प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ इज 20% ऑफ फर्स्ट ईयर एंड रिमेनिंग 6 मंथ इज 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ तापरे नेक्स्ट 6 मंथ रिमेनिंग माने नेक्स्ट 6 मंथ केते ना फर्स्ट 6 मंथ रो दिगुण फर्स्ट 6 मंथ रो दिगुण इज इक्वल टू 24000 टोटल केते गया 12000 रो 24000 36000 हेला टोटल बुझिला कि हमें आउ थे कोची से काम वाला ना थर्ड ईयर प्रॉफिट किन करबा ना थर्ड ईयर फर्स्ट 6 मंथ फर्स्ट ईयर रो जहां छ तार 20% मतलब 60000 तार 12000 तापर नेक्स्ट 6 मंथ रो फर्स्ट 6 मंथ जहां छ तार दिगुण माने 12 दिगुण 24000 टोटल हेला 36000 ता माने थर्ड ईयर प्रॉफिट हमरो 36000 एबे मु कडी कि सेकंड ईयर प्रॉफिट सेकंड ईयर प्रॉफिट केते बाहरिबो ना सेकंड ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू थर्ड ईयर प्रॉफिट इनटू 2.5 माने 2.5 इज इक्वल टू 36000 इनटू 2.5 करे केते आसी 36000 इनटू 2.5 करे 90000 आसी दैट मींस आवर सेकंड ईयर प्रॉफिट आसला 90000 36000 इनटू 2.5 करे 90000 आसी तापर फोर्थ ईयर से कोन बेला लास्ट फोर्थ ईयर देखो फोर्थ ईयर प्रॉफिट इक्वल टू 40% प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर फोर्थ ईयर प्रॉफिट किन करेबी फोर्थ ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेकंड ईयर प्रॉफिट जहां आसला तार 40% सेकंड ईयर प्रॉफिट केता आसला 90000 90000 रो 40% केते 36000 बुझा पडला ता माने फोर्थ ईयर रो भी 36000 बुझले पिला हमें फोर्थ ईयर प्रॉफिट केता आसला 36000 आसला हला देखो आउ थे मानसो के दोसी से फर्स्ट ईयर रो 60000 दे दिछि तापर के सेकंड ईयर प्रॉफिट के गणना पडबो ना थर्ड ईयर रो प्रॉफिट रो 2.5 तो फर्स्ट थर्ड ईयर रे वाली ना तो फर्स्ट थर्ड ईयर किन गणिबी थर्ड ईयर केला फर्स्ट 6 मंथ रे केते रहछि ना फर्स्ट ईयर रे जहा हितला 60000 तार 20% 60000 20% केते हैला 12000 हैला हला तापर कोन केला नेक्स्ट 6 मंथ फर्स्ट 6 मंथ जहाला तार दिगुण 12000 दिगुण 24000 टोटल केला 24000 ता माने थर्ड ईयर रे 24000 तापर केला से ना थर्ड ईयर रे जहाला तार 2.5 थर्ड ईयर रे 36 तार 2.5 कर दिन ता माने 90000 तापर फोर्थ ईयर प्रॉफिट फोर्थ ईयर प्रॉफिट केला सेकंड ईयर प्रॉफिट इनटू 40% ता माने 36000 एबे 4000 प्रॉफिट होसला एबे मु करबी स्टेप 1 स्टेप 1 कोन करबी एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कोन 4000 प्रॉफिट से देबा 60000 प्लस 90000 प्लस 36000 प्लस 36000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल केते मिला माने ना 60 90 115 150 150 ये की 36 36 72 150 72 में से कितना होची 2,22,000 सब में से आसला 2,22,000 बाय 4 2,22,000 बाय 4 करले केते आसी ना 55,500 क्लियर एबे स्टेप 2 एम टू गुडविल इज इक्वल टू कौन पा छी गुडविल इक्वल टू 40% ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 55500 इनटू 40% 55500 इनटू 40% 55500 इनटू 40% is equal to 2,200 ता हमने बोल दिया था ना 22,200 आसे हैला 55,200 हमरो एवरेज प्रॉफिट केता दिला 2,22,200 बाय 4 में 55,500 55,500 40% आसी 22,200 ना हमरो बोल दिया था 22,200 क्लियर बुझा पडला सर कोन कहै छी ना एक्स एंड वाई पार्टनर्स इन 523 जेट इज एडमिटेड फॉर वन प्रोसेस वुड बी टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 40% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फोर इयर्स व्हिच आर एज फॉलो से सब देला से किंतु कैलकुलेट कोन करला से किछ पछाला नै त माने हम कोन करबे गुडविल बाहर करले केते 22400 ता माने हम जे जेहेतु जेट एडमिटेड होला वन को ता माने देखो अब जे बात करबा जेट बिल ब्रॉड फॉर गुडविल गुडविल पाई चाहिए कितना नहीं बोलना टोटल हमारा फार्म रूल होती
नोट कर दियो आज ये थाउ तीन टा प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास से करियो थैंक यू।